अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोहब्बत का जलाने वाला अमल। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, तो आपको ये अमल करना होगा। इस अमल को हम जलाने वाला अमल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको एक फोटो चाहिए होता है और एक कागज चाहिए होता है। तो इसको कैसे करना है ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मौलाना जी के बहुत सारे लोगों ने, जो भी लोग हमें कॉल करते हैं, मौलाना जी से बात करते हैं, मोहब्बत हासिल करने के लिए जब अमल मांगते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने ये अमल दिया और उन्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। उनका जो प्यार है, उनकी जो मोहब्बत है, वो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उनकी जिंदगी में वापस आ गई। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी मोहब्बत को हासिल करना, चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाए, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उनका फोटो लेना होगा, जो कि कागज पर आप प्रिंट आउट वाला जो फोटो होता है वो निकलवा लीजिए। और उसके बाद आपको एक सादा कागज चाहिए होगा, प्लेन पेपर जिसे हम बोलते हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई लाइन खींची हुई नहीं होनी चाहिए। प्लेन पेपर ले लीजिए। प्लेन पेपर पर आपको लिखना है अपनी मोहब्बत का नाम, और उसके बाद आपको लिख देना है अपना नाम। तो उनका नाम और अपना नाम लिखने के बीच में आपको एक प्लस का साइन लगाना है, यानी जमा का साइन लगा देना है। और उसके बाद उसको आपको सर्कल बना देना है, यानी उसके चारों तरफ आपको एक गोल घेरा बना देना है, और उस कागज को आपको फोटो के ऊपर रख देना है। फोटो के ऊपर जब आप रखेंगे, तो उसके बाद आपको उसके ऊपर एक अमल जो है वो दम करना होगा। तो अमल क्या होगा, अमल होगा या वाजदूत अल, ये आपको बोलना है, और उसके बाद फोटो के ऊपर दम कर देना है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये वजीफा आपको हफ्ते के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन रात को आपको करना है 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, 7 से 11 के बीच में ही इसे करना है, और दिन में किसी भी समय आपको इसको नहीं करना है। इस समय अगर आप इसे करते हैं तो आपको पूरी तरह से इजाजत मिलेगी और आपका जो वजीफा है वो काम करेगा। अगर आप इसे इस समय करते हैं तो आपको हफ्ते में किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं, लेकिन 7 से 11 के बीच में करना है। आपको बोलना है या वाजदूत अल, और उसके बाद कागज पर जो आपने नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर भी दम करें, और जो फोटो है फोटो पर भी दम करें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कागज पर नाम लिखा था उसे आप फोल्ड कर लें, और उसके बाद फोटो के ऊपर उसे रख दें। अब आपको फोटो और कागज दोनों को जलाना है। तो आप एक प्लेट ले लें या कोई भी एक बर्तन ले लें, और उसके बाद उसमें रख कर इन दोनों चीजों को जला दें। जब आप इन्हें जलाएंगे, तो जलाने के बाद इसकी राख जो आएगी, राख को भी आपको फेंकना नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पंखा बंद करके ये काम करना है, जिससे जो राख है वो उड़े ना हवा में। पूरी राख आपको इकट्ठी कर लेनी है, और उसके बाद आपको अपने एरिया में, अपने जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर बाहर जाकर देखना है, जो भी सुनसान जगह हो, जहां पर कोई भी आता जाता ना हो। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, गंदी जगह नहीं होनी चाहिए, वहां पर साफ सुथरा कोई खाली प्लॉट हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पर कि आपको मिट्टी मिल जाए। तो आपको थोड़ी सी मिट्टी वहां से लेनी है और इस राख के अंदर मिला देनी है। इसके बाद आपको इस पूरी राख और उस मिट्टी को अच्छे से एक जगह, एक कागज में फोल्ड करके रख लेना है। इस पुड़िया को जिसके अंदर आपने राख और मिट्टी रखी होगी, इसको आपको अपने घर में किसी जगह पर छुपा कर रख देना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये वजीफा अगर आपने एक बार कर लिया, तो आपकी मोहब्बत आपके लिए इतना ज्यादा तड़पने लग जाएगी कि वो आपके बिना कहीं नहीं रह पाएगी। तुरंत आपके पास उनका फोन आएगा और वो आपसे मिलने के लिए समय मांगने लग जाएंगी। ये आप वजीफा एक बार करके देखिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस वजीफे को कर रहे होंगे, तो आपको वजू कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद ही इसे करना है। और दूसरी बात, जब आप बाहर से मिट्टी लेकर आएंगे, उसके बाद जब आप इसे रखेंगे अपने घर में, उसके बाद फिर से आपको वजू करना है, और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर लेने हैं। जो भी कपड़े आपने पहले पहने थे, उन्हें बदल कर आपको दूसरे कपड़े पहन लेने हैं। और इस वजीफे का असर तुरंत होता है, तुरंत ही आपकी मोहब्बत आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी।
तो दोस्तों ये तो था हमारा वजीफा। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, अगर आप किसी और प्रॉब्लम का हल चाहते हो, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके मौलाना जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।